नमस्कार आपण समस्तंकु स्निग्धा चैनल को स्वागत करुछि। मु आज आपण मानक पई ओडिसार गोटे अथेंटिक खाइबा जोटा कि तोराणी कांजी तार रेसिपी नेकी आसीछि। तोराणी कांजी खाइबा द्वारा आपणकर पित्तनाश हेबा सहित पेट थंडा मध्य रहिथाय। शीत दिन रे एमिति गरम गरम कांजी खाइबा पई बहुत ही टेस्ट लागिथाय। विशेष करि ए कांजी को जदि आपण माने गरम भात रे खाइबे तार स्वाद आहुरी बढ़ि जाइथाय। तेबे चलंतु डेरी न करियार प्रोसेस टिकु देखि देबो। तोराणी कांजी बनवाई ये मुझे बाउल रे गोटे दिन बासी तोराणी को यूज करुच्छी। बासी तोराणी अल्प टिके खटा रही था आउ कांजी बनवा टाइम से बासी तोराणी को यूज कले तार टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगी था। बासी तोराणी को यूज करवा टाइम आपत अल्प किसी भात थिला वाला ही तोराणी को यूज करेंगे तार टेस्ट कांजी बहुत ही अधिक आसी था। जदि आपण मैने बिना तोराणी रे कांजी को बनवाई चाहते तो ये सेम क्वांटिटी आपण मैंने पानी को यूज करेंगे ता सहित अल्प किसी अरुआ चाउल किंवा उसुन चाउल को पानी रे किसी टाइम पूर्व भिजेक रखी नहीं थे तोराणी को एबे साइड करके रखिदबा। तापर आपण मैंने देखिपे जेठी मुझे जी परिमाण तोराणी को नहीं चाहिए तार गोटे भाग ये मुझे पेज को यूज करुच्छी। कांजी बनवा टाइम तार कनसीस्टेन्सी को पूरा ठीक रखापी मुझे पेज को यूज करुच्छी। पेज मध्य देहपाई बहुत ही हेल्दी आईता है। तोराणी आउ पेज को एबे साइड करके रखिदबा। चलते एबे आम नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। कांजी रे यूज करने दुई प्रकार पर नहींच्छी तो दुईटा पर पूरा सामान क्वांटिटी आउ सेम साइज रे काटिकी रखी। कांजी रो मेन इनग्रेडिएंट सेटा हो मोला तो जोड़ा खाइबा बहुत ही टेस्ट लगी था सामान साइज काटिक रखी आउ सेम क्वांटिटी नहींच्छी। अल्प किसी सेम साइज आउ सेम क्वांटिटी अमृतभंडा को रखी। जेहेतु ये कांजी बनवाई मो गोटे दिन बासी तोराणी की यूज करुच्छी आ बासी तोराणी अल्प टिके खट्टा रही था तो कांजी खट्टा टेस्ट पर ये मुझे मात्र दुईटा आंबूल को यूज करुच्छी। आपण मैंने आपण स्वाद हिसाब से आंबूल मात्रा को ये कम बेस करके यूज करेंगे। जदि आपण मैंने पानी देकी कांजी बनवाई चाहते ताहले आपण माने एठी तीनी रो चारिटा पाखापाखी आंबूल की यूज करेंगे। आउ छुंका दबापाई एठी मु अल्प किसी रसुण आउ दुईटा कंचा लंका को नहींच्छी। अल्प किसी भृसंग पत्र गोटे बड़ चमच पंच फुटण अल्प किसी पियाज संडा लुण हलदी गुंड तेल। तेज चलते एवं आम डेरी नकरी कांजी बनवा स्टार्ट करवा। कांजी बनवाई ये मुझे गोटे बड़ डिश को नहींच्छी तो से गोटे दिन बासी तोराणी को देदी। तोराणी को देखिकी ये पूरा फुल गोटे कप पा को पकई दौर गैस रो फ्लेम को एबे ऑन करके ये डिश को गैस ऊपर रखे दबा। गैस रो फ्लेम को पूरा हाई करके एबे तोराणी को पूरा भले भाव फुटिबा छेड़े दबा। जदि आपण मैने कांजी को पानी यूज करके बनवाई चाहते तो ये सेम क्वांटिटी पानी को देकी पानी को पूरा बहुत भले भाव में फुटिबापी छाड़दबा। तो ता पूर्व एम स्वाद हिसाब से लुण को पकईद आउ अल्प किसी हलदी गुंड को पकई भल भाव गोलईद आउ लिड कवर करा भल भाव फुटिबापी छाड़द। पखापाखि पांच मिनिट पूरा हाई फ्लेम रहा ये बहुत भल भाव फुटी आसला। एबे गैस रो फ्लेम को मीडियम टू लो रे रखिकी इथरे आमे सब परिबा गुडी को पकई दबा। जदि आपण माने एटा को पानी रे बनेबा पई चाहौचंदी तो एई टाइम रे आपण माने अरुआ चावल किंबा एटी उसना चावल को जो बतरी के रखितले ताको पानी रो छाणी के इथरे पकेबे। आ जहां भी परिबा आपण माने यूज करिया पई चाहौचंदी तो एई टाइम रे पकेकी एबे सब जिंस गुडी के भलो भाबरे गोळे देबे। परिबा गुडी को भलो भाबरे सिजिबा पई एबे गैस रो फ्लेम को पूरा मीडियम टू लो रे रखिकी ताको अधा घोडेकी ताको किछि टाइम पर्यंत छाड़ देबे। पाखापाखि पांच रु दस मिनिट मीडियम फ्लेम रहा ये देखिपे सब पर गुड़िक अल्प अल्प सीझी आसला। तो यही स्टेज रे ही आपण मैंने ये आंबूल को यूज करेंगे तो ये मुझे टोटाल दुईटा आंबूल यूज करुच्छी। आपण मैंने आपण खटा हिसाब से ये आंबूल मात्रा को कम बेस करके तो सब जिनस गुटे भल भाव गोलईद एवं गैस र्लेम को पूरा लो रे रखिकी लिड को अधा कभर करके टाइम पर्यंत छाड़द। पाखापाखि दस मिनिट लो फ्लेम रहा ये मुझे लिड को काढ़ देखा देखिपे सब पर गुड़िक बहुत भल भाव सीझी आसला। तो यही स्टेज रे ही आम एमें पेज को यूज करवा। तो पेज एड करने पूर्व गैस र्लेम को हाई करदे हाई कर सारापर गोटे हाथ में आम ये कांजी को चलाउवा आर हाथ में ये पेज को आम पकेबा। तो पेज को पकई सारापर ताको गैस रो फ्लेम को पूरा हाई करी ताको लीड को अधा कवर करी ताको भल भाव टिके आमे किछि टाइम पर्यंत फुटिबा छाड़ दबा। पाखापाखि पांच रु सात मिनिट हाई फ्लेम रहा ये आपण मानक लीड काढ़ देखा
देखिपे कांजी ये फुटी आसला जेहेतु आम ए पेज की यूज करते तो पेज यूज करने फल मैंने कांजीर कनसीस्टेन्सी को देखिपे जदि ये पेज यूज कर सारापर भी आपण मानक कांजी बेस पतला तो आपण मैंने अल्प टिके अधिक पेज यूज करें जदि बेस मोटा हो जाए कांजी तो आपण मैंने ये अधा कप पाखापाखी पा को मैं पकईकि किसी टाइम पर्यटन फुटाईपरेंगे तो पाखापाखी ये आम कांजी पूरा रेडीसा एवं ग्यास फ्लेम को लोरे रखिकी चलत कांजी को बघारेपी नेक्स्ट प्रोसेस को जी छुंक फास्ट आम लंका और रसुण को भल भाव टी छेची दबा आपण मैंने कांजी को जिते भल भाव बघारे कांजीर स्वाद से ही अधिक आसी था खावाई टेस्ट लगी था तो ये आम रसुण और लंकार छेचा बहुत भल भाव रेडी एवं नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा ग्यास गोटे ये तड़का पैन नहीं जाइए तो तड़का पैन भल भाव गरम हो सारापर से मुझे गोटे बड़ चमच रिफाइन तेल को पकई दूँ तेल गरम हो सारापर से आम गोटे बड़ चमच पंच फुटाण को पकईद दुईटा सुखिला लंका पकईद छेचिकी रखी लंका और रसुण को ये देद मन रखि बघार टाइम कि छुंक दवा टाइम ग्यास फ्लेम को पूरा लोरे रखिक सब जिनस को भल भाव भाजबे जदि हाई फ्लेम भाजबे तो सब जिन पोड़ चान्स थाए जमा भी टेस्ट आसी न था खाइबार रसुण और लंका ये भल भाव भाजी आसलापर से आम अल्प किसी पिज संडा को पकईकि लो फ्लेम किसी टाइम पर्यटन भाजीद तापर से अल्प किसी भृसंग पत्र पकई एवं सबको टी भल भाव लो फ्लेम भाजीद तो ये आम छुंक बहुत भल भाव रेडी ग्यास फ्लेम को बंद करके केयरफुली फुटुवा कांजी में पकईद और सांगे सांगे ग्यास फ्लेम को बंद करके लिड कवर कर 10 मिनिट पर्यंत छाड़ीद एमती छुंक देकी लिड कवर कर 10 मिनिट रखला कांजीर स्वाद आहुरी भी अधिक बढ़ी जाए तो यार छुंक रोसई घर पूरा बहुत ही अधिक महाकि सारे तो आपण मैंने निश्चित भाव में घर थे यही प्रोसेस रे कांजी को बनातु घर थोड़ा समस्त सदस्य को खुआंतु से कमी लगे आपण मैंने मत कमेंट कर जनातु ये कांजी देहपाई बहुत ही हेल्दी होता है पित्तनाश करने सहित पेट को थंडा रखी थाए तो एमती नुआ नुआ रेसीपीर वीडियो पाइबापी डाहाण पटे ऊपर मो फेस आइकन उपरे क्लिक कर मो चैनल को सब्सक्राइब करनी बेल आइकन को प्रेस कर मो नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन्स पातु धन्यवाद।